मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा थाने में आयोजित हुआ जनसंवाद का कार्यक्रम। जनसंवाद के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पुलिस अधीक्षक अभयजीत कुमार रंजन। शहर के गणमान्य लोग भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी, नगर निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर और एनसीएल के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। आपको बताना चाहेंगे कि शहर से जुड़ी स्ट्रीट लाइट, रोड, नाली पानी और प्रदूषण को लेकर छाया रहा मुद्दा। लोगों ने रखा अपना पक्ष। सबसे ज्वलंत मुद्दा जिसमें हजारों लोग हो गए हैं बेरोजगार, साथ ही उनके सामने रोजी रोटी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ट्रांसपोर्टिंग बंद होने के बाद यह ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको लेकर गरमाया रहा जनसंवाद। अब आगे क्या होगा देखना है कि ट्रांसपोर्टिंग चालू होता है या बंद रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, इससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। समाचार देखने के लिए आपका धन्यवाद। रास्ता है जिसमें 8 गांव आते हैं और उसकी इतनी जर्जर हालत हो चुकी है कि आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। एनसीएल के द्वारा मान्यवर ये है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनजीटी के द्वारा यहां की ट्रांसपोर्टिंग को रिजर्वेशन ऐसा कोई रूल है ही नहीं, तो इसलिए दिक्कत है, वरना हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं। हम तो और अच्छा होता यहाँ का, अगर कुछ लोग जॉब में आ जाते हमारे लिए फ़ायदा होता। बाहर से आते हैं कई लोग, आधा में छोड़ के भी चले जाते हैं, तो दिक्कत हमें भी है। तो ये कानून में कोई जब तक परिवर्तन नहीं आएगा अपन लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप सम्मानित अधिकारियों, जनसंवाद थाना मोरवा के अंतर्गत ये कार्यक्रम यहीं पर आप सभी की गरमामय उपस्थिति के बीच सम्पन्न होता है। दीजिए प्रधान अधीक्षक सुरेंद्र पांडे को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। आपका जो कार्यक्रम हुआ था उसमें बहुत सारे मुद्दे आए थे, ब्लास्टिंग को लेकर, रोड को लेकर, पानी को लेकर। तो सर उसमें जो एक बात आई है बीच में जिसमें एक टीम गठित करने की, क्योंकि सर पहले भी इस तरह के हुआ था, चकाजाम हुआ था, टीम गठित हुई थी, तो आए दिन कोई ना कोई नया दल आ जाता है, इसमें पारदर्शिता कैसे आएगी? देखिए ये जो टीम गठित होने की बात आई है इसमें खुद एनसीएल की जो प्रबंधन है उसके तरफ से ये प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और इस टीम में जो आम जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जब आम जनता के प्रतिनिधि स्वयं उसमें रहेंगे, जिनका जीवन उससे प्रभावित होने वाला है, उस टीम के निर्णयों से, उस टीम द्वारा किए जाने वाले कार्यों से, तो पारदर्शिता स्वतः ही आ जाएगी। सर जनसंवाद का कार्यक्रम जो रखा गया था इसका उद्देश्य क्या था? जनसंवाद का कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य होता है वो है पुलिस और जनता के बीच की दूरी को घटाना, पुलिस और जनता के बीच संवादहीनता की स्थिति को मिटाना, पुलिस और जनता के बीच एक विश्वास और भाईचारा को उत्पन्न करना और कुल मिलाकर के अच्छी कानून व्यवस्था रहे, शांति रहे और प्रशासन और पुलिस सुदृढ़ तरीके से जनता की सेवा कर सके, जनभावना के साथ मिलकर के काम कर सके, इसी के लिए जनसंवाद जो आयोजित किया गया। आपको सर यहाँ पे आज क्या बड़ी समस्या लगी जो जनसंवाद हुआ उसमें, क्या आपको ज़्यादा लगा कि ये समस्या जो है जटिल समस्याएं हैं इसको? देखिए समस्याएं तो छोटी हो या बड़ी, जो व्यक्ति उससे जूझता है उसके लिए वही बड़ी है, लेकिन मेरे विचार में यहाँ पे जो सेफ्टी है, चाहे वो रोड सेफ्टी हो अथवा ब्लास्टिंग के कारण अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है मन में, तो कुल मिलाकर जो सेफ्टी है, पब्लिक सेफ्टी, वो सबसे मेजर इशू मुझे लगता है। इसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे इशूज हैं जिसमें से कुछ सारे ज़्यादातर बातें तो पुलिस के डोमेन से बाहर की हैं, लेकिन सेफ्टी जो है वो मेरे विचार से हमारे डायरेक्ट डोमेन में आता है तो वो हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी। जैसे मार्केट में हमेशा जो है, जैसे गुरुद्वारा रोड हो गया, पुरानी मार्केट हो गया, हमेशा जाम लगता है, जबकि जैसे गुरुद्वारा रोड में एसडीएम के तरफ से बैरिकेडेड लगवाया गया था तो उसको हटवा दिया गया है। क्या होता है सुबह जैसे स्कूल खुलता है 7 बजे से लेके और 1:30 बजे, तो उस समय बड़ी गाड़ियां जो हैं उस रोड में खड़ी हो जाती हैं, उसका आज तक उसका कोई निदान नहीं हो पाया, जाम की स्थिति बनी रहती है। आपने मुझे ये बताया, धन्यवाद। मैं इस चीज़ को देखता हूँ इसमें क्या है, अगर इसमें पूर्व में कोई आदेश जारी हुआ होगा वन वे वगैरह के लिए तो मैं उसको निश्चित रूप से लागू करवाऊँगा। सर एक और समस्या है थाने की, थाने में जो शिकायत करने आता है उनको बैठने की समस्याएं बड़ी है, वो कहुआ का पेड़ के नीचे या बाहर पानी में बैठते हैं, अंदर में जगह कम है जिस वजह से नहीं बैठ पाते, उनके लिए कुछ व्यवस्था हो पाई? ठीक है, अभी तो हम अस्थायी रूप से कुछ टीन शेड वगैरह का निर्माण करवाते हैं, फिर एक प्रपोजल हम भेजेंगे जो हमारा पेटी कंस्ट्रक्शन में जाता है, तो हम उसके लिए विचार करते हैं।
हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे।